उसको ऑपरेट कर सकेंगे। सिंपल सी बात करो, ये एक्सेस कंट्रोल है, ये डोर है, ठीक है। अगर हमें डोर पे एक्सेस कंट्रोल लगा दिया तो क्या होगा, ये डोर ऑपरेट करेगा सिर्फ इसके, जब ये ऑपरेट करेगा उसके बाद ये डोर ऑपरेट करेगा। या मैं तुम्हें किसी कोई सिक्योरिटी डिवाइस कोई लॉक लगा दिया तो क्या करेगा, इस लॉक को ऑपरेट कराएगा, फिर ये डोर खुलेगा। तो मतलब सबसे पहले अपने को इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो इसका यही काम होता है, किसी भी सिस्टम में सिक्योरिटी सिस्टम को ऐड करना, माने लिमिट, माने अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना किसी को, तो इसमें एक्सेस लगाएंगे तो उसको ऑपरेटिंग को हम कंट्रोल कर लेंगे सिस्टम से। एप्लीकेशन कहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो, या मशीन हो, मशीन में भी लगता है, मशीन की मशीन ऑथोराइज बंदे है, जैसे मशीन है कोई मशीन, इस मशीन को ऑथोराइज बंदे ही ना सिर्फ ऑपरेट कर सकते, इसमें भी एक्सेस लगा देते हैं। ऑपरेटर ही इस मशीन को एक्सेस करके इसको ऑन करता है, फिर उसको चला पाता है, ठीक है। जैसे आपने पिन लगाया किसी मोबाइल में किसी में, तो क्या होता है, बिना पिन का मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा ना, तो वो भी एक्सेस सिस्टम होता है। सिक्योरिटी सिस्टम ये होता है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट कराने के लिए हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते हैं जिसके हेल्प से उस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे कि कोई और बंदा ऑपरेट ना करे, तो ऐसे सिस्टम करते हैं, ठीक है। यस, बात करें तो मोड में क्या होता है, दो मोड होता है इसमें, इनपुट मोड और आउटपुट मोड। इनपुट में क्या होगा, पासवर्ड पिन, पासवर्ड पिन, पासवर्ड 6 अंक का होगा, पिन 4 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें कार्ड, आरएफ कार्ड। उसके बाद इसमें और क्या आएगा, फिंगर, फिंगर। ये इतना चीज इसके इनपुट में आएगा, इतना चीज को सेंस करके इनपुट लेने के बाद आउटपुट को एक्टिव करेगा। आउटपुट में क्या होगा, डीओ कमांड होगा, डीओ कॉम और एनओ, या कम्युनिकेशन सिग्नल छोड़ेगा, ये कम्युनिकेशन सिग्नल छोड़ेगा ये, जो किसी डिवाइस को एक्टिवेशन देगा कि ये डिवाइस को ऑपरेट हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन सिग्नल छोड़ेगा, ये कॉम और एनओ के फॉर्म में ये आउटपुट में जनरेट करेगा, जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भैया एक्सेस जो है ना इस तरह काम करेगा। आउटपुट में ये सब यूनिट करेगा इनपुट में, और आउटपुट में तुम्हें कॉमन एनो रिले आउटपुट देगा और एक कम्युनिकेशन सिग्नल देगा, इससे इंफॉर्मेशन की एक्टिवेशन होना, तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो ऑपरेशन में काम करेगा। तो एप्लीकेशन मल्टीपल है, इसको तो कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे, मशीन हो या डोर हो या किसी तरह का, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी सिस्टम हो तो इसको ऑपरेट कर लेंगे, इसको लगा के हम ऑपरेट कर सकेंगे। इसी कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल की, तो होता है वन कंट्रोल, वन और ऑल। वन में आएगा ओनली फिंगर, ठीक है, जिसका फिंगर, जिसका तुमने फिंगर डाल दिया, ऐड कर दिया, तो फिंगर से एक ही बंदा ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है। और कार्ड की बात करें, कार्ड और पिन ऑल ऑपरेट कर पाएगा, इसको जिसको भी पता होगा पिन लगा के ऑपरेट कर लेगा, पिन या कार्ड होगा, कार्ड या पिन होगा, तो ये दो कोई भी बंदा इसको ऑपरेट करा सकेगा। फिंगर ऑनली फिंगर, फिंगर है तो जिसका फिंगर लगा वही बंदा ऑपरेट कर पाएगा। कार्ड में क्या, अगर इस बंदे का कार्ड तुमने अगर ले लिया तब भी तू ऑपरेट करा दे, या पिन चला गया तो ये ऑल हुआ या वन हुआ। अगर सिंगल बंदे को यूज करना है, उसके अलावा कोई यूज ना करे, तो हमें उसी का फिंगर ऐड करना और किसी का कुछ भी ऐड नहीं करना, तो सिंगल हो गया। और हमें मल्टीपल बंदे को यूज करने को देना, तो मल्टीपल बंदे को हमें 10 कार्ड रीड करवा देना, 10 कार्ड रीड करा देना उसको एक्सेस को, और उसके बाद उसके 10 को हम दे देते 10 बंदे ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है। या एक ऑप्शन वो हुआ। और पिन का यूज इमरजेंसी के लिए ऑनली होता है, नॉर्मल यूज के लिए नहीं होता। पिन का यूज इमरजेंसी के लिए, अगर इन्होंने कार्ड दिया तो ऑपरेट करेगा, अगर कार्ड नहीं दिया तो ऑपरेट नहीं करेगा, मगर पिन पास चल गया तो बिना पूछे भी ऑपरेट कर देगा। तो पिन ऑनली इमरजेंसी के लिए होता है, जैसे कोई फॉरगेट कर गया ना, कोई फॉरगेट कर गया कार्ड, ठीक है, कार्ड भूल गया और लिफ्ट के अंदर फंसा पड़ा, उसके उस लिफ्ट के अंदर उसको जाना है इमरजेंसी में, उस टाइम पिन का यूज करते हैं। तो पिन ऑनली फॉर होता है नॉर्मल, इस किसी के इमरजेंसी के लिए, नॉर्मल यूज के लिए नहीं होता है, कार्ड होता है नॉर्मल यूज के लिए या फिंगर, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रखना है। कंट्रोल दो मोड होगा, वन कंट्रोल ऑल कंट्रोल, वन कंट्रोल में ऑनली फिंगर, ऑल कंट्रोल में पिन है पास, पिन कार्ड, ये दो मेथड में वो काम करेगा।
अब डिवाइस का इंटरफेस देखते हैं, इंटरफेस कैसा होगा। ये होगा कीपैड इसका, इसका ना इस तरह की बैड होगा, टोटल डिजिट 9 तक होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार हैज होगा, उसके अंदर 0 भी होगा, ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग इससे एक्टिवेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर फिंगर वाला है तो उसके अंदर फिंगर का सेंसर लगा होगा, अगर फिंगर वाला नहीं है ओनली कार्ड कार्ड वाला है तो उसके अंदर कॉइल का सिंगल लगा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉइल के पीछे लगा होगा और सिंबल बना होगा कार्ड। एक होता है स्टेटस का एलईडी होगा, उसके अंदर एक स्टेटस बताता है, स्टेटस डिफाइन करेगा। इसमें दो ऑप्शन होता है, एक रेड एक ग्रीन, ठीक है। ग्रीन में चल रहा रेड और ग्रीन से इसे पता चलता है कि ये कौन से मोड में है, ये किस मोड में पता चल जाए, ग्रीन और एलईडी और रेड एलईडी से पता चल जाए कौन से मोड में है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए इसके अंदर कीपैड होता है। अगर कार्ड टाइप है तो ओनली कॉइल का पॉइंट होगा, यहाँ पे कार्ड डिप कर माना उसे बोलो ना रखा होगा, अगर फिंगर भी है तो फिंगर का सेंसर लगा होगा, ठीक है। ओके, ये तीन ऑप्शन अगर ऐसा है तो। अगर इसमें नॉर्मल आर एफ सिर्फ कार्ड पास हो रहा है तो इसमें क्या होगा, कॉइल का सिंबल बना होगा, यहाँ पर कार्ड डिप कर होना और कीपैड होगा और एलईडी स्टेटस होगा इसका इस मोड में, ठीक है। ये होगा इसका इंटरफेस होगा इस टाइप का। अपना एप्लीकेशन क्या है, एलिवेटर में कैसे एक्सेस कंट्रोल को सेटअप करना। तो सबसे पहले लिफ्ट का जो मैं बताया था कल, आईएनएस मोड में चलती है लिफ्ट और नॉर्मल में, नॉर्मल मोड में चलती है, दो मोड होता है ना, आईएनएस नॉर्मल। तो आईएनएस पे एक्सेस नहीं लगता है, किस पे लगेगा, नॉर्मल पे। तो नॉर्मल में लिफ्ट कहाँ चलेगी, नॉर्मल में कार और लैंडिंग, ये दो जगह से लिफ्ट चलेगी ना, नॉर्मल मोड में कार और लैंडिंग चलेगी। तो कार पे अगर एक्सेस लगाएंगे सारे बटन तो ऑल कंट्रोल होगा, ऑल को हम कंट्रोल कर, डिपेंड करता है ऑल कंट्रोल करना है या वन कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, वन एक्सेस से। लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग में ऑनली वन कंट्रोल होगा और वन एक्सेस लगेगा, ठीक है, एक ही एक्सेस लगेगा और एक ही कंट्रोल कर पाएगा। यहाँ वन करना है, टू करना, थ्री करना, वो डिपेंड करेगा। कंट्रोल तो किस जगह काम करेगा, नॉर्मल मोड में काम करेगा और कहाँ कहाँ करेगा, गार्ड और लैंडिंग। कार में ऑल कंट्रोल वन कंट्रोल दोनों होगा, इसमें सिर्फ वन कंट्रोल होगा, सिर्फ एक ही कंट्रोल कर सकता है, अदर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उसमें अभी ऑप्शन आता है कार का, कार के अंदर बात करें तो ऑपरेटिंग पैनल होता है जिसको सीओपी बोलते हैं, ठीक है, जिसको सीओपी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में सीओपी बोलते हैं ना, केबिन ऑपरेटिंग पैनल। तो क्या होता है, ये होता है इंडिकेशन, ये होता है कॉलिंग, कहाँ जाना है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बटन लगा होता है जो अदर वर्ड के लिए होता है, डोर ओपन क्लोज, जैसे ये इधर डोर ओपन होता है हमेशा और इधर डोर क्लोज, जो सिंबल आउटर के उस आउट, जैसे डोर ओपन मतलब आउटर, ये डोर ओपन बता रहा है कि डोर बाहर खुलेगा, ठीक है, और ये मतलब डोर क्लोज, सिंबल का मतलब समझा, किसी बटन का ऐसा सिंबल होता है जिसे डोर ओपन डोर क्लोज। अब क्या यहाँ पे ये वन फ्लोर, दो तीन फ्लोर हो गया। अब मुझे क्या है कि अगर इसे इसको ही कंट्रोल करना है तो इसको एक्सेस लगाने के बाद क्योंकि एक्सेस नहीं लगाएंगे, तो इसकी जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पॉजिटिव है या निगेटिव है कॉलिंग, अगर इसकी पॉजिटिव कॉलिंग है कंट्रोलर तो हम क्या करें पॉजिटिव को एक्सेस के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे, तो ये बटन काम नहीं करेगा, कॉल रजिस्टर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि अगर हमें ऑल कंट्रोल करना है, वन कंट्रोल हो गया ना, मतलब एक स्पेसिफिकेशन एक बटन को कंट्रोल किया। अब ऑल कंट्रोल में क्या है,
इस सारे को कंट्रोल करना। तो उसमें याद पहले देखना कॉलिंग क्या काम है, पॉजिटिव या निगेटिव। कॉलिंग अगर निगेटिव है तो सारे बटन को जो निगेटिव जा रहा है, जो माइनस वोल्ट जा रहा है सारे को, सारे बटन को उस पर ही एक्सेस को लगा देना है और सारे बटन को कॉल बटन कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या हुआ और कंट्रोल, प्लस में कॉलिंग है प्लस कर दे तो ये ऑल बटन कंट्रोल हो गया। उसका एक रूल बताया था कल मैंने कि कभी भी डीओ का बटन को हमें कंट्रोल नहीं करना है, ओनली डीसी और सारे बटन को कंट्रोल करना है। स्टॉप को भी नहीं करना, अलार्म को भी नहीं करना, ना स्टॉप को ना अलार्म को, ठीक है, अलार्म को ना स्टॉप को, इस दोनों को नहीं करना ना डीओ को, क्योंकि इनकेस कोई बंदा इन साइड चला गया डोर बंद हो गया तो फिर वो कॉल लगेगा नहीं, वो जा पाएगा नहीं, गई तो उसके अंदर बंद पड़ा रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता, उसके अंदर रहेगा ना हमें बंद पड़ा। इसलिए डीओ का बटन को हम ना डीओ का बटन को हम हमेशा एक्सेस नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो ऑल पे एक्सेस लगाया, स्टॉप, अलार्म और डीओ, तीन चीज पे स्टॉप एक्सेस नहीं लगाया, ठीक है, एक्सेस नहीं लगाया। अगर अलार्म का बताओ, अलार्म पे भी क्यों नहीं लगाएंगे, अलार्म का हमने लगा दिया ना तो अगर लिफ्ट जाके कहीं बीच में फंस गई, लिफ्ट ऑफ हो गया तो एक्सेस का एक्सेस तो उसको एक्सेस नहीं होने लगा ना, तो उस टाइम में क्या होगा, ये अलार्म बजेगा नहीं, पता चले कौन फंसा पड़ा। स्टॉप की बात करें तो इमरजेंसी में कोई भी स्टॉप लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, जिसके पास एक्सेस होगा वही वही लगा सकता है स्टॉप। और अदर कोई बंदा है जिसने एक्सेस करके कॉल बुक कर लिया, अब जा रहा है अचानक, तो उस समय एक्सेस करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो स्टॉप को भी हम नहीं लगाएंगे, एक्सेस में नहीं लगा, एक्सेस ओनली फॉर कॉलिंग सेक्शन एंड क्लोजिंग सेक्शन। अब क्लोजिंग डोर क्लोज का क्या काम है, इस पर क्यों एक्सेस लगाएंगे, अगर कॉल बुक हो गया इनकेस डोर क्लोज हो गया तो लिफ्ट चल देगी ना, सेफ्टी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो लिफ्ट चल देगी, इसलिए डोर क्लोजिंग पे भी एक्सेस लगाना चाहिए। डोर ऐसे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता डोर, पर डोर क्लोज होने देना चाहिए, इस पर भी एक्सेस लगा देना चाहिए, डीओ में नहीं लगाना, स्टॉप अलार्म नहीं लगा। लेकिन ऐसा ही होता ना सीओपी कार के अंदर, तो वन कंट्रोल का मतलब एक स्पेसिफिक बटन को कंट्रोल करना, ऑल कंट्रोल मतलब सारे बटन को कंट्रोल करना। अब ड्राइंग बताता हूँ कैसे ऑल कंट्रोल सिंगल कंट्रोल होगा। आप बात करते हैं तीन फ्लोर की लिफ्ट है, तीन फ्लोर टॉप फ्लोर को कंट्रोल करना, तीन फ्लोर की लिफ्ट है, एक बटन हुआ, दो बटन हुआ, तीन बटन हुआ, तीन फ्लोर की लिफ्ट है, ये होगा डोर क्लोज, ठीक है, ये होगा डोर, सॉरी डोर, और ये डोर हो गया ओपन, ठीक है, ये अपना वन फ्लोर दो और तीन, हमें टॉप फ्लोर कंट्रोल करना है। फ्लोर अपना जो है सीओपी में ऐसे चलता है, लेट नीचे डाउन से नीचे के ऊपर, थ्री टू वन, गलत, सॉरी वन टू थ्री हो गया, एक मिनट, थ्री टू वन ऐसे चलेगा ना, थ्री टू वन। तो इसमें क्या है, हमें इसको कंट्रोल करना है, इस बटन को, ठीक है, ओनली एक बटन को कंट्रोल, एक फ्लोर को, यहाँ कोई जा ना सके केबिन से। इस बटन का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इसमें चार वायर होगा, एक दो तीन चार, ये पुश बटन का है, ये पुश बटन होता है दबाने वाला, उसमें चार वायर होगा, एलईडी प्लस और एलईडी माइनस और स्विच वन स्विच टू, मतलब स्विच कैसा होगा, ये तो स्विच हो गया वन टू, और क्या होगा ये एलईडी प्लस और एलईडी माइनस, ठीक है, ये हो गया ना, ये है ना इसके अंदर सर्किट डायग्राम प्रैक्टिकल। तो अब इसको हमें कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले बात करना है कि कॉलिंग का क्या मेथड है, पॉजिटिव है या निगेटिव, कॉलिंग का सेक्शन होगा ना, इसमें कुछ कॉलिंग का होगा ना, तो कॉलिंग में क्या पॉजिटिव निगेटिव देखना कौन सा है, तो हमें पता चलेगा कि निगेटिव कॉलिंग है, तो हमें क्या करना है, स्विच को क्या देना है माइनस, एलईडी अब क्या इधर बचा प्लस, प्लस वाला डायरेक्ट प्लस दे दिया, हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसको दोनों को लूप कर दिया, तो अगर बटन दबाओगे तो एलईडी क्या होगी, जलेगी ना, इस पॉइंट पे क्या आएगा निगेटिव आएगा, दूसरी निगेटिव कॉल करके हमें कॉल रजिस्टर वाले इस पॉइंट पे हमने डाल देना, ठीक है, तो क्या होगा जब बटन दबेगा तो क्या होगा, कॉल लगेगी कॉल। अब एक्सेस कैसे लगाना है, तो अब सबसे पहले क्या है, कॉलिंग है निगेटिव, तो ये जो माइनस जा रहा ना माइनस, इस पे ही एक्सेस लगेगा, ठीक है, एक्सेस यहाँ लग गया, अगर ये एक्सेस ऑपरेट नहीं होगा तो यहाँ माइनस आएगा नहीं, ना एलईडी जलेगी ना कॉल बुक होगा, तो क्या होगा, ये एक्सेस का काम, यहाँ पे हमने एक्सेस लगा दिया, ये स्विच है ना एक्सेस का, तो ये जब एक्सेस ऑपरेट करोगे ये क्या होगा, ये दोनों एनसी बनेगा,
उसके बाद सिग्नल जाएगा, ऑपरेट भी होगा, लाइट भी जलेगी, हम कॉल बुक होगा। कितने देर तक रखता है मतलब? 5 सेकंड डिपेंड करता है कितना टाइम सेट करना है, उसका प्रोग्रामिंग होता है, उसमें टाइमिंग होता है कितना टाइम सेट करना, कितना होल्ड रखना है इसको। जो इसका डिफॉल्ट होता है 5 सेकंड होता है, 5 से 3 सेकंड भी होता है, वो डिपेंड करता है कितना सेट करता है, प्रोग्राम होता है एक्सेस का कैसे करता है। पहले मेथड को समझो, ऐसे कंट्रोल करना, यही मेथड लैंडिंग पे भी अप्लाई होगा, सारे बटन पे आएगा, 2 कंट्रोल करना, 1 कंट्रोल कर दिया। अब बात करें तीनों फ्लोर कंट्रोल करना, 1 कंट्रोल देख लिया कैसे हो गया, अब ऑल कंट्रोल, तीनों फ्लोर में ऑल कंट्रोल कैसे करना। 2 मेथड है ना, कैबिन कंट्रोल का, 1 कंट्रोल ऑल कंट्रोल। अब बटन 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और एक अपना ढोल, इसमें कितना है, 4 बार है, इसमें भी 4 बार होगा, इसमें भी 4 बार होगा, इसमें भी 4 बार होगा। अब देखो ये चारों में क्या है, इसमें से दो ही होता है, चार होता है, ये कमांड जा रहा है वहां पे, ये भी सिंगल बनता है कॉलिंग की तरह, सिंगल बनता है, एक एलईडी होगा ना, ये भी कॉलिंग की तरह। अब इसका स्टेटस पता चल गया, तो हमें क्या है ना, अभी सबसे सारे बटन से क्या है, इसमें 4 बटन क्या क्या, प्लस माइनस एलईडी, एलईडी ना, एलईडी और स्विच 1 स्विच 2। तो अब क्या है, सारे में से हमें क्या करना, पहले कॉलिंग का सेक्शन चेक करना, प्लस है या माइनस। अब क्या हुआ, प्लस है, ठीक है, प्लस कॉलिंग, तो सारे में से एस बन लेना, कितना एस आएगा, 4 आएगा, 3 कौन सा सीरीज आएगा, S1 का सीरीज, सबका S1 आ गया, चारों का S1 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देना है, प्लस, हमें इसमें प्लस देना, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, एलईडी, अब इसमें से हमने एस लिया, एलईडी से एक लोग है ना, तो हमें क्या लेना है, माइनस, क्योंकि हमारा प्लस कॉल है, तो हमें माइनस लिया। अब एलईडी, सारे एलईडी, ऑल एलईडी माइनस, सॉरी माइनस को हम ले लेंगे, ठीक है, ऑल एलईडी का माइनस को हम ले लेंगे, तो कितना बाय टोटल 4, ठीक है, 1 2 3 4 एस का हुआ ना, और एलईडी का 1 2 3 4, ये क्या हुआ एलईडी का, इस चारों का एलईडी का आ गया सारा माइनस का और स्विच का, ठीक है, स्विच वन का 4 बार आ गया, चारों का इसका, ठीक है। अभी चारों लूप होगा ना, इस सबको क्या जाना है, माइनस, ऐसे क्या जाना है, ये चारों इसको प्लस। अब क्या बचा तुम्हारे पास, स्विच टू और एलईडी प्लस, तो ये क्या होगा, स्विच टू का कितना बार होगा, 4 और एलईडी प्लस का 4, तो इसमें से एक लिया, एक इसमें से लिया, क्या हुआ कॉल, 1 फ्लोर कॉल, इसमें से एक लिया और इसमें से एक लिया फ्लोर 2 को कॉल, इसमें से एक लिया और इसमें से एक लिया फ्लोर 3 को, और इसमें से एक लिया, इसमें से लिया, इसको जल्दी हम DC लूप हो गया ना, यही सेक्शन है ना, एलईडी प्लस एलईडी माइनस जाके कॉलिंग सेक्शन हो जाता है, यही हुआ ना, यहाँ क्या बच्चा, अब इसको हमें क्या देना है, प्लस और माइनस, तो हमें यहाँ पर क्या डालना है, प्लस, तभी तो बटन दबेगा तो एलईडी जलेगी और कॉल लगेगा, ऐसे देना माइनस, तो हम माइनस क्या करेंगे, हमारा कॉलिंग क्या है, प्लस कॉलिंग, ठीक है। तो हमने क्या माइनस, हमने डायरेक्ट इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा है, ठीक है। अब देना हमें प्लस, प्लस को कंट्रोल करना है, इतना समझ आया, अब मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ। अब क्या 4 आया ना टोटल, 4 स्विच 1 और स्विच 1, तो क्या है, इस पॉइंट पे अगर ये जो है ना ऐसे करके बटन में जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा ना बटन में, ये स्विच लगा ना, ये H2 है ना, H2 सीरीज है इसका, H2 सीरीज, तो क्या होगा, इसको लगा, ये बटन को दबा करके यहाँ पे सिग्नल होगा, या इस पॉइंट में सिग्नल जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा क्या सिग्नल यहाँ से प्लस आ रहा है ना। अब हमने क्या किया, यहां पे एक स्विच लगा दिया, यहां पे हमने एक स्विच लगा दिया, तो क्या होगा, यहां पे सप्लाई जब आएगा, जब ये स्विच ऑपरेट होगा, तो सारे पॉइंट में सप्लाई आएगा, तो क्या है, ये हो गया एक्सेस कंट्रोल, तो अगर इसको कंट्रोल कर लेगा तो क्या होगा, यहां प्लस नहीं आएगा, ये सब ऑपरेट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल, तो यही एक्सेस कंट्रोल का ऑल कंट्रोल कर लिया, देख चारों स्विच को कंट्रोल कर लिया ना, अब यहां पे एक्सेस, जब एक्सेस ऑपरेट कराएंगे तो ये क्या होगा, NC बनेगा, और उसके बाद ये सारा बटन काम करना शुरू होगा, अगर हमने नहीं कराया तो यह फॉर्म में रहेगा और कोई भी बटन काम नहीं करेगा। हमने यहाँ नहीं लगाना था, यहाँ पर लगाएंगे तो हमें कितना 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 एक्सेस का पॉइंट चाहिए, टोटल 4
और यहाँ पे कितना चाहिए एक। एक्सेस हमेशा सप्लाई सिग्नल बन जाएगा। हमें क्या है जो एक पॉइंट है एक पॉइंट पे लगेगा, सारे बटन को सप्लाई जाना प्लस अगर माइनस उसी पे लगा देना हम तो कॉल तो लगेगा इतना बटन जलेगा माइनस। अब इसका भी एक रीजन है जो कॉलिंग रजिस्टर होता है ना अपना कंट्रोलर का, उससे क्या होता है जब भी उस पर सिग्नल जाता है वो कॉल होल्ड करेगा तो एक निगेटिव सिग्नल छूट देता है, इससे बटन जलता रहता है। अगर हमने इसे प्रेस किया बटन जल गया तो अगर ये सॉरी प्लस प्लस का कॉलिंग है तो प्लस छोड़ेगा, माइनस का कॉलिंग है तो माइनस छोड़ेगा उसका रजिस्टर। प्लस कॉलिंग है तो हमने दबा दिया अब कॉल बुक हो गया, उसके बाद हमारा ये ओपन हो गया ना तब भी ऐसे जलता रहेगा क्योंकि उसके बाद ना कॉलिंग रजिस्टर से अपना पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। देखा एलईडी होल्ड होता है जहाँ पे कॉल लगता है वहाँ पे एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाता है तो वो प्लस देना शुरू कर देता है वापस रिटर्न से, क्योंकि उसके अंदर ना ऑटो कपड़ा लगा था, ऑटो कपड़ा ट्रिगिंग हो जाता है ठीक है समझ गया, उसके अंदर ऑटो कपड़ा जो है ना ट्रिगिंग हो जाता है ठीक है। अपना ये सेक्शन वाइज ट्रिग हो गया तो फिर क्या होगा प्लस अपना इसमें घूमता रहेगा तो एलईडी ग्लो होती है, ये जाएगी जाए एलईडी ग्लो होती रही, जैसे कॉल खत्म होगा वो एलईडी ये ऑफ होगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपने लगा दिया तो ये एलईडी जलेगी नहीं, कॉल तो बुक हो जाएगा पता नहीं चला किस प्रकार कॉल बुक हुआ, और यहाँ पे जलेगी तो पता चलेगा ना कि एलईडी ग्लो करेगी अपनी तो पता चलेगा ना किस प्रकार कॉल बुक है। तो एक्सेस को हमेशा मेन सप्लाई होता है ना जो सारे बटन को जा रहा है प्लस या माइनस कॉलिंग डिफाइन करना उसके बाद उसी पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि सारे बटन को प्लस चाहिए सारे को चाहिए माइनस, अगर माइनस को माइनस कंट्रोल करें प्लस को प्लस करें। हमने क्या है स्विच तो स्विच सारे स्विच कंट्रोल तो नहीं कर सकते, जो सारे स्विच को कंट्रोल कर रहा ना उसी को कंट्रोल कर रहा है कर दिया एक बार तो ये सारा कंट्रोल है। अब इसमें क्या है आप तो बोलेगा चार फ्लोर पांच फ्लोर सात फ्लोर दस फ्लोर जितना फ्लोर हो सारे को, अभी चार है बताता हूं, ये मेरा एक्सेस कंट्रोल स्विचिंग हुआ ठीक है, ये अब इसमें फ्लोर देख एक फ्लोर हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छह हो गया जितना भी फ्लोर है ये सारा कंट्रोल हो जाएगा ना, अब जितना भी फ्लोर हो जाएगा यहाँ पे लग गया ये सारा को कंट्रोल कर लिया, ये ऑपरेट होगा तो ये सारा ऑपरेट होगा तब हमारा कॉलिंग सेक्शन एक्टिव होगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें एक्सेस कंट्रोल का काम क्या हुआ सिग्नल को एक्सेस करना, तो ये इसके अंदर एक स्विचिंग स्विच होता है उसके द्वारा हम क्या सारा का सिग्नल कटिंग कर देंगे, जब उसमें किस इनपुट देंगे हम पिन या फिंगर या कार्ड या किसी कम्युनिकेशन के द्वारा इसको एक्टिव करेंगे तो ये क्या होगा फिर एनसी बनेगा फिर कॉल रजिस्टर होगा ठीक है। आप देखते हैं एक्सेस कंट्रोल का पिन एक्सेस कंट्रोल का इंटरनल सर्विस देखते कैसे वर्क होगा, कॉलिंग का समझ में आ गया ना कॉलिंग कैसे कंट्रोल करना है, कल भी बताया था आज होता है बिजली का कंफ्यूजन ना हो। ये अपना एक्सेस कंट्रोल होता है उसका टर्मिनल होता है, पहला क्या होगा ओपन ये बैल प्लस और बैल शॉर्ट में लिख रहा हूँ माइनस एनसी एनओ कॉम यही होता ना टर्मिनल में यही होता लिखा हुआ जो कि कनेक्टर होता है उसके कनेक्टर में ये पॉइंट लिखा होता ना कि वन वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल सात टर्मिनल ना तो इसे लिखा होता ना आठ कितना है टोटल सात आठ है ना आठ टर्मिनल टोटल आठ कनेक्टर है ना, तो पिन के आगे लिखा होगा वन वाला क्या है और पिन टू वाला प्लस थ्री वाला ये बैल का होता है कि किसी की तरह का ना अपना बैल जैसे बैल बजाना है ना तो बैल बजाने के लिए ना लगाना पड़ता है कि अगर उसके ऊपर ना एक्सेस के ऊपर एक बटन होता है उस पर भी बैल का सिंबल बना होता है अगर उसको प्रेस करेंगे तो ये बैल बजेगा, ये दोनों पॉइंट एनसी हो जाएगा ठीक है, तो ये बैल बैल को सप्लाई मिल जाएगा यहीं से घूम के, ये 12 वोल्ट का बैल लगाएंगे तो 12 वोल्ट यहीं से घूम के इसको मिल जाएगा प्लस माइनस सप्लाई, इसको बटन को दबाएंगे तो ये एक्टिव होगा ये 12 वोल्ट को घुमा के इसको और इसको दे देगा ये बैल क्या बच जाएगा इस फ्यूचर यूज के लिए, अपना इसका कुछ भी यूज नहीं है अपने इंडस्ट्रीज में इसका कुछ भी यूज नहीं है। ये ओपन वाले की बात करें ओपन का होता क्या अगर यहाँ पे हमने ना माइनस अगर हमने माइनस उसको दे दिया है अगले वाले को तो हमें यहाँ पर अगर प्लस दे दिया और हमने डोर लॉक है ये डोर लॉक ये लॉक है ठीक है लॉक है ना हमने यहाँ से इसको प्लस दे दिया
प्लस यहाँ दिया है ठीक है, और माइनस हमने ड्रैग दे दिया। तो हम जब भी इस पे ना कमांड देंगे ना, इसका सॉरी ये इनपुट है, सिर्फ ये इनपुट टाइप है, आउटपुट टाइप नहीं, इनपुट टाइप है। तो हमें क्या है ना, ये ऐसे देना, ये दोनों हो गया, ये हमारा कंट्रोल हो गया ठीक है, कंट्रोल हो गया ना। यहाँ पे हमने क्या डाला, प्लस, तो प्लस यहाँ से घूम के ऐसे मिल गया ना इसको, और माइनस हमने ड्रैग दे दिया ठीक है। तो ये अपना लॉक है, ये इनपुट टाइप है। अब क्या यहाँ पे हम जैसे ना माइनस का कमांड देंगे तो उसमें में क्या होगा, ये लॉक, ये दोनों क्या होगा, एनसी बन जाएगा, ये लॉक ऑपरेट हो जाएगा। तो इनपुट कमांड है इमरजेंसी के लिए, जैसे घर में लगा हो कहीं पे भी, उसके रूम में लगा होता है बटन, उसको अगर प्रेस करते हैं तो ये डोर लॉक अनलॉक हो जाता ना। अगर तुम कार्ड के पास गए, कंट्रोलर के पास तुम्हारा एक्सेस नहीं है, तुम कॉल करते हो, वो बटन लगा होता ना, या दाब दिया है सिग्नल आता है, ये खड़ा हो जाएगा। डिपेंड करता है पॉजिटिव है निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव मोड का है निगेटिव होगा। डिपेंड करता है एक्सेस, ये कहाँ यहाँ पे कौन सा कंट्रोल लेता है सिग्नल, अगर पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, तो जैसे इसमें सिग्नल आएगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। मैनुअली है, जैसे अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं, पिन कुछ भी नहीं पता, तुम अनजान हो, अब बेल बजाते हो उसको, अब डोर अनलॉक करते हो, तो उस समय ये इसका यूज होता है ठीक है, ये एक्सेस का, इससे ये ऑपरेट कर जाता है लॉक। ये अपने इंडस्ट्रीज के लिए ये नहीं है, और नॉर्मली पॉइंट बताते हैं इसकी यूज के लिए, अपनी जो इंडस्ट्रीज है ये चार पॉइंट पे काम करेगी, एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट का ही अपना यूज है, बाकी पॉइंट का यूज नहीं है, बाकी पॉइंट का हमारा यूज नहीं है, ये चार ही पॉइंट का यूज है। यहाँ पे 12 बोल्ट जितना भी सप्लाई आता है ये दो ही फॉर्म में आता है, प्लस 12 बोल्ट और GND में ही होता है ऑपरेटिंग, इसका 24 बोल्ट भी बहुत ना के बराबर आता है ठीक है। और अपना यूज क्या है, कॉमन एनो और ये इतना ही पिन, बाकी पिन सब यूज नहीं करना अपने इंडस्ट्री के लिए के लिए। अब क्या है कि हमें जो कंट्रोल करना था बटन का, जो हम बता रहे थे क्या बटन बना दिया एक्सेस में कैसे वायरिंग हुआ बता रहा, ये अपना बटन हुआ ठीक है, इसमें टोटल कितना वायर जा रहा है, चार ठीक है, तो चार बार जा रहा ना, LED प्लस और LED माइनस S1 और S2 ठीक है। अब ऐसे वायरिंग कैसे करेंगे, पहले हमने क्या किया, इसको सप्लाई दिया किसी सप्लायर, पावर सप्लाई ठीक है, PS से दे दिया, ये क्या होगी ऑन होगी। अब हमें कंट्रोल का वायरिंग करना है, हमें क्या है कंट्रोल क्या करना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमने यहाँ लाया दे दिया ठीक है फॉर्म पे, और यहाँ से निकाल के हमने S1 पे पॉजिटिव दे दिया दे दिया। अब पॉजिटिव क्या हुआ, यहाँ से कॉमन एनोड से घूम गया एक्सिस के कॉमन एनोड से ठीक है। अब क्या है LED अपना कॉलिंग क्या है पॉजिटिव, तो LED प्लस और स्विच ये कॉलिंग सेक्शन को चला गया फोर कॉल ठीक है, और अपना LED जो माइनस बचा हम उसको क्या किए माइनस बोल्ड, अपना जो कंट्रोलर जो आता है प्लस और माइनस बोल्ड, हमने क्या किया माइनस उसको दे दिया और प्लस ठीक है। कंट्रोलर से दो आएगा सप्लाई 24 वोल्ट का, उसको हमने क्या किया माइनस ड्रैग LED माइनस कर दिया और प्लस को हमने इसके द्वारा घुमा दिया, जब ये एक्सेस ऑपरेट करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये NC बन जाएगा, तो ये यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा, ये बटन काम करेगा। वायरिंग से कैसे करना, बस चार पॉइंट यूज करना है इसका, वायरिंग ऐसे करना क्या, कंट्रोलर जो प्लस आया हमने प्लस यहाँ डाले कॉम पे और माइनस को हमने जैसे घुमा के सीधा LED पर, ये कंट्रोलर का सप्लाई है और ये इसका खुद को ऑपरेट होने का सप्लाई है, कि कंट्रोलर चलेगा 24 वोल्ट से और ये चलेगा 12 वोल्ट से, अगर कंट्रोलर 12 वोल्ट का है तो फिर हमें सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कंट्रोलर हमारा 12 वोल्ट का है तो हमें सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोलर के ही सप्लाई से हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं ठीक है, ये भी याद रखना। अगर कंट्रोलर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट की कुछ भी पावर सप्लाई की हमें जरूरत नहीं, उसी से हम इसको कनेक्ट करके चला देंगे। तो कार में कैसे कंट्रोल करना था बता दिया ना, वायरिंग कैसे करना वो देख लिया ना। अब लैंडिंग की बात करता हूँ, अब लैंडिंग का क्या होता है, लैंडिंग में कुछ इस तरह होता है ना, एक बटन होता है या दो बटन होता है ठीक है, ये इसका स्टेटस होता है, सिंगल बटन अप एंड डाउन, ये स्टेटस है, सिंगल बटन हुआ ये डबल बटन हुआ, दो बटन का एलओपी सिंगल बटन का एलओपी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को जो प्लस जा रहा है उस पर ही हम एक्सेस लगा देंगे ठीक है, एक्सेस लगा देंगे, दोनों को जो प्लस जा रहा है उस पर एक्सेस लगा देंगे ठीक है। अगर सिंगल बटन है तो इस पर लगा देंगे, सिंगल बटन पे ही एक्सेस लगा देंगे
इसको कंट्रोल ये दबेगा तो कॉल किसी भी तरह का लिफ्ट यहाँ पर नहीं आएगी। तो इसका सिर्फ ऑनली होगा इस फ्लोर पे ना, इस फ्लोर पे कोई आएगा नहीं, सॉरी यहाँ से कोई जाएगा नहीं, जाएगा आएगा तो जरूर, क्यों? क्योंकि वो सीओपी से यहाँ पे आ जाएगा, पर आ जाएगा फिर यहाँ से लिफ्ट यहाँ पे कोई बुला नहीं सकता, लिफ्ट को ऑनली अथॉराइज्ड पर्सन ही यहाँ पे बुला सकते हैं, पर कोई भी यहाँ पे आ सकता है। अगर बॉक्स में लग गया सीओपी और एलओपी में भी लग गया तो फिर ये सिक्योर हो जाएगा ना, तो कोई आ सकता ना कोई जा सकता है यहाँ पे, सिर्फ ओनली अथोराइज पर्सन ही जिसको एक्सेस है वही आ सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फिर अगर हमें उस फ्लोर पे कोई उस फ्लोर से कोई जाए ना उसके लिए कंट्रोल लगाना तो एक्सेस लगाएंगे। तो इसमें क्या एलओपी में क्या होगा, ओनली वन कंट्रोल मीटर काम करेगा, डबल मीटर कंट्रोल काम नहीं करेगा। ऑल कंट्रोल काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ओनली वन कंट्रोल। तो इसमें क्या होगा, अगर हमें सारे लैंडिंग को कंट्रोल करना है, जैसे एक लैंडिंग यहाँ हुई, एक यहाँ हुई, एक यहाँ हुई, तीन हुई ना, तीन बटन बाहर का, तो तीन पे कितना लगा, तीन एक्सेस लग गया, एक एक्सेस यहाँ, एक एक्सेस यहाँ और एक एक्सेस यहाँ, तीनों पर अपना अपना एक्सेस लगेगा तब तीनों कंट्रोल होगा, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, तीन एक्सेस लगेगा इसमें। तो हमने क्या कंट्रोल करना है, अगर प्लस कर लेंगे तो प्लस पे कंट्रोल कर लिए, उस बाइंग सेम ही रखना है, और इसमें भी हम तीनों एक्सेस को कंट्रोल कर लिए, ठीक है। अब इसमें ये तीनों कंट्रोल कर लिए, अब इसमें होता सेल्फ और ऑल, अब इनका क्या इस फ्लोर पे क्या करना है, इस एक्सेस को जिसमें इसमें कार्ड डालेंगे, कार्ड अगर हमने ना कार्ड ओनली इसको रीड करवाया, इस तीनों को रीड नहीं करवाया तो वो कार्ड ये तीनों को एक्सेस नहीं करेगा, ये दोनों को एक्सेस नहीं करेगा, ऑनली इसमें एक्सेस करेगा, ठीक है। अगर ये कार्ड हमने इसको भी करा दिया, इसको भी करा दिया, इसको भी करा दिया तो तीनों पे काम करेगा। अगर पिन सेम क्रिएट करें तीनों में काम करेगा, फिंगर हमने तीनों में रीड करा दिया तीनों में काम करेगा उसका फिंगर, ठीक है। तो कार्ड भी करेगा तीनों में काम, फिंगर भी और पासवर्ड भी तीनों में काम, उसका रीड करवा दिया तीनों में वो काम करेगा, ठीक है। अगर हमें एक में ऑनली इसको रीड करें बाकी सब काम ना करें, इनकेस होता है कि सिर्फ इसका कार्ड इसी को काम करे और अदर पे काम ना करें, तो सिर्फ इसी को रीड कराना, इन दोनों को वो कार्ड रीड नहीं कराना, ठीक है, समझ गए इसको। अगर पिन क्रिएट करना है तो अगर इसका पिन जो क्रिएट किया इसका पिन वो सेम नहीं क्रिएट करना, इसका दोनों का डिफरेंट करना, ठीक है। यही मेथड अप्लाई है ना, हमें तीन लगाए तो हमें तीनों का अलग अलग कंट्रोल है, तो इसमें दो मेथड होता है, या तो एक एक्सेस लगा दो तीन जगह, तीन एक्सेस लगा दो, या तीन एक्सेस ना लगा के सेंसिंग डिवाइस ही लगा दो तीन। अब सेंसिंग कैसे लगेगा, ये महंगा होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है, जो मैं बताया एक्सेस जो हम लैंडिंग में एक्सेस लगाएंगे ये वाला जो सेल्फ वाला वो सस्ता होगा, मतलब कॉस्ट बहुत कम होगा जो सेल्फ वाला है, ठीक है। अब ये होता है स्विचिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा सेंसर, यहाँ पे फिंगर, ठीक है, यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे फिंगर, यहाँ पे सेंसर और यहाँ पे फिंगर सेंसर, ये कार्ड सेंसर फिंगर सेंसर, ठीक है। अगर इनके पिन सेंसर भी है तो पिन सेंसर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कीपैड सेंसर होता है ना पिन के लिए, वो भी सेंसर इसमें लग सकते हैं, उसमें वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, ये तीनों इस कंट्रोल में जाएगा, ठीक है, तीनों का सिग्नल, ठीक है। यहाँ से एक कंट्रोलर लगेगा, मैन कंट्रोलर, ठीक है। क्या होगा, ये तीनों एक में जाएगा और ये इस कंट्रोलर से इससे ना कंट्रोल होगा, ये दो सेंसिंग पॉइंट हुआ और ये इस कंट्रोलर से कंट्रोल होगा। अब फिर यहाँ पर रिले लगा होगा, जितना इसका भी सिग्नल यही दिया होगा, इसका भी यहाँ से कंट्रोल होगा और सारा यहाँ से कंट्रोल होगा, ठीक है। ये कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल होगा और सेंसिंग मोड इंटरफेस यहाँ पे होगा। तो ये क्या, एक तो इसका कॉस्ट हो गया, एक वायरिंग कॉस्ट हो गया, एक कंट्रोलर कॉस्ट हो गया, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर देन में उसके जो सेल्फ वाला है, ये ऑल वाला है, ठीक है, ये ऑल वाला था, ये सेल्फ वाला था। इसमें क्या है, सारा का ना एक कंट्रोलर होगा, ये सब सेंसिंग पॉइंट होगा इसका, कॉल कार सेंसर है, फिंगर सेंसर है, कार सेंसर फिंगर, आप कीपैड लगा हुआ तो पिन भी लेगा, ठीक है, कीपैड लगाया ना तो इसे पिन भी लेगा। तो ये होता है एक छोटा सा पॉइंट लगाता है साइड में जिससे हम सेंसिंग करते हैं, ये इसका मैन कंट्रोलर होता है। ये मीटर अप्लाई यहाँ पर नहीं होता है, ये कॉस्टली होता है, ये सिर्फ बिल्डिंग में होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग जिससे बहुत सारा डोर होता है ना उसके लिए ये भी होता है, हमारे इंडस्ट्री में ये यूज बहुत कम होता है।
अब एक आता इसमें, इसमें आता है जो स्मार्ट टाइप होता है एक्सेस, एक्सेस उसमें क्या होता है उसमें एक एक्स्ट्रा मेथड होता है फेस, फेस लॉक भी होता है उसके अंदर, ठीक है, फेस लॉक भी होता है। तो ये जो है ना नॉर्मल वाले से 2 से 3 गुना महंगा आता है, नॉर्मल अगर 4000 का आ रहा है, ठीक है, तो ये आएगा लगभग 10000 का, ठीक है, इतना का आएगा। तो ये उतना कॉस्टली रिक्वायरमेंट होता नहीं है किसी को कि फेस लॉक में, तो ये चलता नहीं उतना, बहुत ना के बड़ा दिखता है। तो अपने कौन मेटर, कितना मेटर का काम करना है, 3 पे। अब आते हैं एक्सेस की बात करते हैं, ये क्या हुआ 3 मीटर का हुआ, फिंगर कार्ड और पिन, ठीक है, ये 3 मीटर का फिंगर होगा, फिंगर का यहाँ पे कार्ड रीड करवाने का, ये स्टेटस। अब देखो इसमें क्या है, इसका होता प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होगा इसका, ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है, कार्ड रीड करवाने के लिए अलग प्रोग्रामिंग, ठीक है, फिंगर के लिए और पिन के लिए, तीनों चीज के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ठीक है। बायरिंग तो हमने कंप्लीट कर दिया, सब कुछ ओके हो गया, अब इसमें करना प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग अपना अपना सबका मेट है, जिस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसमें एक प्रोग्रामिंग कोड होता है, सबका अलग अलग प्रोग्रामिंग कोड है, सबका सेम नहीं होता प्रोग्रामिंग कोड, वो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। तो किसी का प्रोग्रामिंग सपोज स्टार 1 2 3 4 5 6 और हैज 1, मतलब ये सेक्शन हुआ प्रोग्रामिंग कोड, ये सेक्शन हुआ किस चीज को रीड करना चाहता है, 1 4 कार्ड, 2 4 2 1 4 पिन और 37 4 फिंगर, हुआ ना, ये डिफाइन करता है कि तुझे ये प्रोग्राम कर दिया, अब ये एक्टिव हो गया प्रोग्राम मोड में, तो 1 डाल दिया तो कार्ड के लिए, 2 डाल दिया 21 डाल दिया तो किसके लिए, पिन के लिए, 37 डाल दिया तो किस 37 डाल दिया फिंगर के लिए। और किसी में होता है अपना नॉर्मल वाले में जो है उसमें एक ही होता दोनों चीज के लिए, जो अपना स्टार हैज 1 2 3 4 1, इतना करने के बाद हम 1 डाल दें, उसके बाद ये दोनों के लिए होता है, कार्ड और फिंगर के लिए दोनों के लिए यही होता है। एक दवा दिया आप, तुझे रीड करवाना है कार्ड या फिंगर, दोनों का ये प्रोग्रामिंग, ये इतना सेक्शन क्या हुआ इसका प्रोग्रामिंग कोड, ये हुआ सिलेक्शन किस चीज को रीड करवाना है, कार्ड कराना या फिंगर कराना, इसका ये हुआ सिलेक्शन, उसके मैनुअल दिया होता है, बाकी मैनुअल बता दूं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये फिक्स नहीं होता, चेंजेबल होता है, अगर ये फॉरगेट कर गए तो ये इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, अगर ये फॉरगेट कर गए चेंज करके तो प्रोग्रामिंग तुम्हें से एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ही होता है प्रोग्रामिंग एक्टिव करने के लिए, जब भी प्रोग्रामिंग एक्टिव होगा तो ग्रीन कलर की एलईडी एक्टिव होगी, ग्रीन आप प्रोग्रामिंग सेव करने के बाद नॉर्मल में रेड हो जाएगी, तो दो होता है, एक ब्लिंक करेगी या नॉर्मल रेड रहेगी, ठीक है, एलईडी स्टेटस जो प्रोग्रामिंग में जाएगी तो स्टेटस अपना चेंज कर लेगी और नॉर्मल मोड में नॉर्मल एलईडी हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ये क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये भूलना नहीं है कभी भी, और चेंज करने अगर चेंज कर रहे हो ना तो पता होना चाहिए, फॉरगेट नहीं करना, इसको ना भूलना भी नहीं है, और जब भी चेंज कर रहे हो इसको, इस प्रोग्रामिंग कोड पासवर्ड होता है, प्रोग्रामिंग के लिए कोड होता है, इसको भूल रहे हो तो उसके बाद उसको जो भी चेंज कर रहे हो ना इसको जगह 1 2 3 4 की जगह कुछ 8 नंबर डाल रहे हो तो याद होना चाहिए, ये इसका कोड होता है फिंगर आप पासवर्ड के लिए। अब कार्ड की बात करें तो कार्ड रीड कैसे कराते हैं, तुम्हारे पास 10 कार्ड है, 10 पीस है ना, तो प्रोग्रामिंग एक्टिव हो गया, उसके बाद 1 by 1 कार्ड इसको स्वीप करना है, इसके ऊपर स्वीप करना, ठीक है, स्वीप करना है इसके ऊपर कार्ड, तो ये लॉन्ग बीप करेगा, मतलब रीड कर रही है, ब्लिंक करेगा हमारा डिले करके बीपिंग करेगा, तो मतलब ये क्या हुआ रिजेक्ट कर रही है, रिजेक्ट लॉन्ग बीपिंग में क्या हुआ ये रीड कर रही है, इसका मतलब रीड कर रही है तुम्हारा कार्ड को, अगर माने
लॉन्ग टाइम पे बिपिंग किया तो उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग टाइम पे रीड कर रही है, अगर एट ए टाइम बिलिंग कर दिया तो उसका मतलब क्या है, ये रिजेक्ट कर रही है, रिजेक्ट थोड़ा तुम्हारा काम लो ले ले रही है, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको डाटा जब प्रोग्रामिंग हो जाएगी सारा तो उसके बाद उसको सेव करना पड़ता है, तो किसी में हैज होता है किसी में स्टार होता है सेव करने के लिए, तो सारा प्रोग्रामिंग करने के लिए इस बटन को प्रेस करने के बाद वो सारा डाटा उसके अंदर प्रोसेसर में सेव हो जाता है, उसके बाद ये भी दबाना होता है लास्ट में वन बाय वन करके हमने कार्ड रीड करा दिया, उसके बाद हैज दबा दिया क्या होगा, डाटा सेव हो गया। अभी अपना आप लेवल बढ़ा है मोड मानिए, कैसे रीड करवाना है, सारा 10 कार्ड को एकदम नहीं दिखाना है, वन बाय वन करके 10 कार्ड दिखाना है, 20 से 20 वन करके दिखाना है, लॉग बीपिंग करेगा मतलब रीड कर रही है, नहीं करेगा तो रिजेक्ट कर रही है। यो कार्ड का अब फिंगर का फिंगर में क्या होगा, 1 2 3 तीन बार होगा एक फिंगर को, सिंगल फिंगर को एक बार डालना है शॉर्ट बीपिंग, शॉर्ट बीप करेगा हटा देना, फिर डालना है सेम शॉर्ट बीप करेगा, फिर थर्ड बार डालना है तो ये लॉन्ग बीप करेगा, लॉन्ग बीप करेगा, ठीक है लॉन्ग बीप करेगा तो इसका मतलब तुम्हारा कार्ड तुम्हारा फिंगर को उसने रीड कर लिया और उसके बाद हैज लगा के तुम अपने फिंगर को सेव कर दो, सेव हो गया। तो क्या फिंगर में क्या है, कार्ड से डिफरेंट मेथड है ना, है ना, तीन बार रीड करा, फर्स्ट टाइम गया शॉर्ट बीपिंग, फिर शॉर्ट बीपिंग, फिर दबाया तो इसके लॉन्ग बीपिंग करेगा, तो इसका मतलब तुम्हारा फिंगर रीड कर लेगा, क्योंकि फिंगर को पूरा रीड करना पड़ता है उसके सेंसर को, इसलिए थ्री टाइम करना पड़ता है, कार्ड को वन टाइम एक एक करके सारे कार्ड को रीड करा दिया, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक कार्ड को दो बार नहीं दिखाना, एक बार दिखाया कर दिया। अब आता है नॉर्मल दूसरी चीज, पिन, पिन क्रिएट करने के लिए, पिन की बात हो तो ये इमरजेंसी यूज है, ठीक है इमरजेंसी यूज है, माने जनरल पर्पज यूज नहीं करना, इमरजेंसी यूज करना है, अपना मैन जो है फिंगर अपी नहीं है इसके लिए एक्सेस करने के लिए इमरजेंसी यूज करना है। तो इसमें क्या होगा, इसको रीड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करते हैं हम, किसी प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे स्टार्ट हैज 1 2 3 4 अब इसका पिन का अलग कोड होगा, ग्रुप में जो 37 ग्रुप डाल दिया, ग्रुप नंबर 37 नंबर का, तो 37 में डाल दिया तुमने पिन, जैसे तुझे 45 डालना है तो मल्टीपल वाइज टू टाइम करना है, इसी को ना रिपीट करना है, तो क्या करना है 45 1 47 2 47 3 47 4 इस तरह डालना, तरह चार चार में क्या पिन क्रिएट कर रहे हो तो इस तरह डालना है, डालने के बाद इसका जो सेविंग है वो सेव कर देना, ठीक है ऐसा प्रोग्रामिंग हो गया ना सारा, ठीक कैसे डालना है 45 45 45 45 मतलब एक और एक, किसी में क्या है ये नहीं करना, बस ओनली एक बार करना, देखना कि वो बता के रहा, अगर दो बार करना तो ऐसे करना, एक बार करना तो बस ऐसे करना करके और हैज दबा देना, अगर सेव, अगर सेव हैज से हो रहा तो हैज दबा देना उस एक्सेस में, अगर इसका उससे करके कर देना, तो मैंने मैंने पिन का पिन एक अप्रोच कर ऐसे किया, अब ऑपरेटिंग का होता है पिन फिंगर पासवर्ड तीनों की सारा कुछ क्लियर हो गया ना, पासवर्ड चेंज नहीं करना, इसका पासवर्ड जो भी होता है उसको चेंज करने के लिए उसको भी चेंज कर सकते हैं, पर इसको इजली चेंज नहीं करना, नहीं तो फॉरगेट कर गया तो ये काम नहीं करेगा, गलत भी नहीं होना। अब आते हैं वर्क कैसे करेगा, ये एक्सेस है तुमने इनको कार्ड दिखाया तो क्या करेगा, ये एलईडी ग्रीन होगी, जैसे दिखाओगे तो ये क्या होगी ग्रीन होगी, लॉन्ग बीपिंग करेगी और इसमें रिले का रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है रिले ना ऑपरेट हो जाएगा इसका, ठीक है बीपिंग करेगी लॉन्ग बीपिंग ये हो जाएगी ग्रीन, ग्रीन ही होता ना ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब तुम्हारा कार्ड रीड कर लिया। अगर इसने ना ब्लिंक कर गई तो इसका मतलब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारा कार्ड को उसने रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारा कार्ड रीड ले रहा है, ब्लिंक कर गई ना वो जैसे लगा के समय ब्लिंक कर गई, या लॉन्ग बीपिंग कर गई तो मतलब ले लिया और ब्लिंक कर गई तो मतलब तुम्हारा कार्ड रिजेक्ट कर दिया, इसका रीजन दो ही होगा, या तो कार्ड फॉरगेट कर गई या रीड कार्ड नहीं हुआ, चेक करोगे ना रीड कार्ड नहीं, दोबारा से उसको रीड करवाना, ठीक है और लॉन्ग बीपिंग कर दी तो ये ऑपरेट हो जाएगा और इसके अंदर रिले का साउंड भी आता है, कट सानी आवाज करता है, या नहीं करे तो पता चल जाता है या ग्रीन जल्दी एलईडी ऑपरेट कर जाता है, लॉन्ग बीपिंग करेगा ऑपरेट कर गया। अब आता फिंगर का, फिंगर डालोगे फिंगर में भी सेम मेथड होगा, फिंगर में भी सेम मेथड होगा, ये एलईडी होल्ड हो जाएगी, ये होल्ड हो जाएगी, ठीक है
ठीक है ना, जैसे फिंगर डालो तो वैसे ये ढोल जाओगे। पिन में डिफरेंट है, पिन में क्या तुम्हारा 45-45 पिन में बना रखा, उसके बाद लास्ट में दबाना पड़ेगा हैज, तब नहीं है 45-45 दाब के उसके बाद दबाना हैज, उसके बाद ये एलईडी ग्लो कर जाएगा। ग्लो नहीं की, ग्रीन नहीं हुई होल्ड होके, तो मतलब तुम्हारा पिन गलत है, नहीं लगाया, दोबारा से क्रिएट करना। तीनों समझ में आ गया ना, ये तीन में थोड़ा है अलग अलग, फिंगर का क्या था और कार्ड का क्या था, रिजेक्ट करिए नहीं लड़िए उसका पता भी चल जाता है कि नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद होता है इसमें अब रीसेटिंग का, रीसेटिंग होता है, अगर पिन सबको पता चल गया तो पिन को हम चेंज कर देंगे या ऑल रिमूव कर देंगे, सारा कुछ एक्सेस को ही पूरा खाली कर देंगे, ना कार्ड बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, तो पिन चेंज कर सकते हैं, कार्ड हटा सकते हैं, ठीक है, और रीड भी करा सकते हैं दोनों, कार्ड को भी हटा सकते हैं और रीड भी करा सकते हैं दोनों, फिंगर भी हटा सकते हैं, फिंगर को भी हटा सकते हैं और रीड भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पिन सब पता चले तो पिन चेंज कर देना, पिन को उस वाले पिन को हटा के नया पिन क्रिएट कर देना, अगर सारा कुछ ही हटाना तो ऑल कार्ड को, ऑल को रिसेट कर देना, इसमें तीनों चला जाएगा, तीनों रिसेट हो जाएगा, ठीक है, तीनों रिसेट हो जाएगा। तो हमें पिन चेंज करना तो पिन चेंज कर देंगे, कार्ड किसी कार्ड को किसी ने कार्ड उसका ये हो गया, किसी ने ले लिया कार्ड, पता चला किसी ने लिया, सारा कार्ड हटाना पड़ेगा ना, कोई गड़बड़ वाली एक्सेप्ट करते सारा कार्ड हटा देंगे, अब फिंगर इसका रिसेट भी हो जाता है, ये तीनों चीज रिसेट भी होता है। पिन एक ही नहीं होता है, मल्टीपल पिन क्रिएट होता है, मल्टीपल होता है, एक सिंगल पिन नहीं होगा क्रिएट, मल्टीपल पिन होगा, ठीक है, दो तीन चार पिन क्रिएट कर लो, कोई पहला पहला कोई पहला कर लो, कोई पचपन पिन कर लो, कई चीज हो गया, उसी तरह कार्ड फिंगर भी, उसका अपना अपना स्टोरेज बताएगा वो, उसके स्पेसिफिकेशन होता है कि 1000-100 पिन लेगा, 10,000 कार्ड लेगा, या 1000 फिंगर लेगा, उसका कैपेसिटी का बता देंगे इतना इतना ये ले सकता है एक्सेस, उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं होता कोई भी, उसका कैपेसिटी होता है इतना पिन लेगा, इतना कार्ड लेगा और इतना फिंगर लेगा, उसकी कैपेसिटी है उतना ही लेगा। अगर तुमने ऑलरेडी बहुत सारा कर दिया है उसके बाद भी करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो एक अनुमान होगा, तुमने 100 पिन क्रिएट कर दिया, फिर कर रहे करिए, इसका मतलब नहीं ले रहा है वो पिन, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पिन क्रिएट कर रखे, तो पिन को कम करना है। कार्ड की बात करें, कार्ड में बहुत ज़्यादा रीड करवा दिया, एक कार्ड को 100 बार रीड करवा दिया, इसका क्वान्टिटी कम्प्लीट हो जाएगा, तो पिन नहीं लेगा, क्योंकि सारे के लिए बिट डिफाइन होता है, बिट होगा ना, इस बिट में कार्ड रहेगा तो कम्प्लीट हो जाएगा रजिस्टर उसका, तो रिसेट का इस तरह हमें देखना है इसको, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ बचा इसके अंदर, अब एक चीज होता है कि इसको फर्ज कैसे डिफाइन करना है कि ये ओके नॉट ओके, ओके होगा तो एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है, करेगी ना, पावर दोगे तो एलईडी जल जाएगी, इसका मतलब ऑन है, अगर पावर सप्लाई देने के बाद एलईडी नहीं जल जाएगी इसका मतलब वो खराब हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। अगर किसी केस में प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग नहीं करेगी, कितना जैसे प्रोग्रामिंग है ना नहीं ले रही है, कितना भी कर रहे हो, जिसका मतलब उसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गया, वो डिवाइस काम नहीं कर रहा, हमें क्या करना है, सप्लायर होगा ना, सप्लायर उससे बात करना या टेक्निकल सपोर्ट लेना, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट लेना, ठीक है, सप्लायर से बात करना है, असेंबली है या टेक्निकल सपोर्ट लेना, उस डिवाइस के लिए अगर वो काम नहीं कर रहा है, फेल कर गया ना कार्ड, कुछ मिल जाता कई केस में होता है, तो ये करना, ठीक है, और जल रही है ओके, ऑलरेडी ग्लो होती रहेगी, जलती रहेगी, जैसे पावर सप्लाई देंगे और उसको कार्ड लेंगे, अगर हमने कार्ड लिख दिया, कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर, कार्ड ले लिया, फिंगर कुछ भी नहीं ले रहा, फिर भी प्रोग्रामिंग हमने इम्प्लीटली कर दिया, तब भी नहीं ले रहा, सब कुछ हमने करके देख लिया, तो उसके बाद हमें दो टेक्निकल सपोर्ट लेना, सप्लायर से या सप्लायर से बात करना, अगर ये इसका माल तरीके से देगा, अगर इसका नहीं टेक्निकल सपोर्ट होता था उसका, उसमें बात करना होगा पावर, ठीक है। अब कुछ तो बचा नहीं ना, एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा ना का, बस नॉर्मली एक्सेस कंट्रोल ऐसे ही पूरी सर्किट में अपने लिफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए काम करेगी, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक्सेस कंट्रोल पावर रहेगी तो ऑन रहेगा, और पावर जाएगा तो ऑन रहेगा, ऑन ऑफ रहेगा, इसको परमानेंट ऑन रखना है,
अगर परमानेंट होता है एक इमरजेंसी पावर सप्लाई जो होता ना यूपीएस होता ना कोई इमरजेंसी यूपीएस लगा इसको भी ऑपरेट करा सकता है, जो पावर जाने के बाद भी ऑन रहे ठीक है, इनकेस अगर लग रहा तो पावर आएगा तभी ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। अगर मैंने पावर से दिया सप्लाई पे इसको, अगर किसी यूपीएस से दिया है तो पावर जाने के बाद भी ये ऑन रहेगी ठीक है, ये भी याद रखना है। ऐसे पावर कटा हो पावर ऑफ हो तो चेक करेंगे एक्सेस ऑन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब पावर नहीं आ रहा। जो मेथड है डीसी सप्लाई चेक करना है इसको, बड़ा वोल्ट आ रहा है कि प्लस बड़ा वोल्ट आ रहा है कि जीएनडी, और एक मैन सप्लाई जिससे जा रहा है इसको बोला उसको मैन सप्लाई आ रहा है ठीक है, जिससे उसको सप्लाई दे रहा है उसमें मैन सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा वो ओके है कि नहीं ओके। अगर एक्सेस ऑन नहीं हो रहा है तो उस पावर सप्लाई को चेक करना, पावर सप्लाई ओके है, अब पावर सप्लाई भी ओके नहीं हो तो एक्सेस ऑन नहीं हो रहा ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ऑफ कर।